एक बात हमेशा याद रखो, किसी के सामने गिरगिराने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। अगर इतनी ही नफरत है हमसे तो आज ही ऐसी दुआ करो कि तुम्हारी दुआ भी पूरी हो जाए और मेरी जिंदगी भी। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ते मत तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्ते में होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। रिश्तों को भी आज़ादी और सम्मान के साथ धीरे पकड़ना चाहिए, तभी रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यदि आप रिश्ते को आधिकारिक रूप से जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप उन रिश्तों को खो दोगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हो तो एक ही ऐसी बात है जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है, और वो है आपका व्यवहार। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो जाए वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। वो रिश्ते भी प्यारे होते हैं जिनमें ना हक हो ना शक हो, ना अपना हो ना पराया हो, ना दूर हो ना पास हो, ना जज्बात हो, सिर्फ एहसास ही एहसास हो। रिश्तों को खोकर ही पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या होती है। अक्सर झूठे वादे दुनिया उजाड़ देते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते दुनिया को झुका देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं ना ही अपना सकते हैं, जिसके बिना ना जिया जा रहा, जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। समझ नहीं है हम में इतने की जान सके कौन इंसान कितना पूरा है, पर लगता है हर इंसान किसी न किसी चीज से अधूरा है। पता नहीं क्या जादू है तेरी निगाहों में कि तुम्हारा नजर भर देख लेना हमारे दिल को सुकून देता है। हर हाल में जिनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी आजकल वो उदास है, जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। बातें ही होती हैं जैसे इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से। सुंदरपुर नाम का एक गांव था, उस गांव में शंभू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत सीधा साधा इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी मिताली और चार बच्चे थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका एवं